हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। मैं हूँ आपकी अपनी अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। सो इतनी अच्छी बात से, इतने अच्छे दिन से चलिए शुरुआत करते हैं हमारी फ्लमिंगो बुक के न्यू चैप्टर से, जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बयानीज जंग। अब ये जो चैप्टर है, पहले तो मैं आपको आपके सामने इसका टाइटल जो है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है। स्प्रिंग का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन। इस सीजन में नए नए फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, अच्छे अच्छे ट्रीज में न्यू लीव्स आती हैं, नए फ्लावर्स ब्लूम होते हैं। तो बेसिकली स्प्रिंग को यहाँ पर समझाया गया है एज अ चाइल्डहुड। जैसे एक बच्चे की लाइफ में बच्चा धीरे धीरे ग्रो होता है, ब्लूम करता है, खिलता है, ग्रो करता है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसे यहाँ पर बोला गया है। सो स्प्रिंग का मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया एज चाइल्डहुड, किसी बच्चे का बचपना। और लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब ये है कि किसी बच्चे का बचपना कहीं खो गया, लॉस्ट हो गया, घूम गया कहीं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं दो स्टोरीज। ये चैप्टर मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट स्टोरी कवर करेंगे इस चैप्टर की, और सेकेंड पार्ट में हम चैप्टर की सेकेंड स्टोरी कवर करेंगे। सो ये जो चैप्टर है बेसिकली किस बारे में है, ये मैं आपको पहले बताती हूँ। एंड उससे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑथर कौन है, एंड ऑथर के माइंड में ऐसे क्या व्यूज थे जो उन्होंने इस चैप्टर को लिखा। सो एनीज जंग इस चैप्टर की ऑथर है। शी वॉज बॉर्न इन 1964। और कहाँ बॉर्न हुई थी? रॉरकेला, एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। तो उन्होंने अपना बचपना एंड एडोलेसेंस, यानी कि अपनी यंग एज जो है, उन्होंने वो अपनी एडल्टेंसी की जो एज है वो उन्होंने कहाँ स्पेंड करी? हैदराबाद में स्पेंड करिए। ओके, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उनकी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट हुई? थोड़ी एजुकेशन उनकी हैदराबाद से कंप्लीट हुई, और थोड़ी एजुकेशन उन्होंने यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अपनी कंप्लीट करी है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और इनके पेरेंट्स मदर एंड फादर दोनों ही राइटर्स थे, यानी लेखक थे। एनीज जंग बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह भी एनीज जंग ने अपना करियर एज अ राइटर, एज अ लेखिका के रूप में स्टार्ट किया, और इंडिया में ही उन्होंने अपनी राइटिंग स्किल्स स्टार्ट कर दी। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट एंड कॉलमनिस्ट फॉर मैनी मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो वो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की क्या रह चुकी है? एडिटर रह चुकी है, और बहुत सारी मैगजीन में जैसे कॉलम्स आते हैं तो वो कॉलमनिस्ट भी रह चुकी है कई सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की, इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड, यानी इंडिया के बाहर भी। एंड हर ऑथर्ड सेवरल बुक्स, एंड शी हैज़ ऑल्सो ऑथर्ड सेवरल बुक्स, यानी कई सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एग्जर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, छोटा सा एक्सर्प्ट है, छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा पार्ट है, जो हम एज अ होल हमारे क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। सो मैं बेसिकली आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं। एक स्टोरी है एक रैग पिकर की जिसका नाम है साहिब आलम, और दूसरी स्टोरी है मुकेश की जो कि है एक बैंगल मेकर। वो और उसकी फैमिली जो है बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने के बिजनेस में सदियों से जनरेशन से इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साहिब आलम की जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है, एक रैग पिकर बॉय यानी कूड़ा बीनने वाला, कचरा बीनने वाला लड़का, उसकी स्टोरी बताती हूँ। तो साहिब आलम जो है एक कचरा बीनने वाला लड़का है, और वो हमेशा क्या ढूंढता है कचरे में? गोल्ड। अब गोल्ड का मतलब यहाँ पे सोना नहीं है, गोल्ड का मतलब जो चीज़ हमारे लिए गोल्ड है, प्रेशियस है, वो साहिब आलम के लिए कुछ और मायने रखती है। यानी साहिब आलम एक कूड़ा बीनने वाला बहुत गरीब बच्चा है जिसके दिमाग में सारा दिन क्या क्या बात बैठी हुई है कि मैं कचरा ढूंढूंगा और इसमें से मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी। हमारी ज़रूरत की चीज़ें, हमारे लिए प्रेशियस चीज़ें जो होती हैं वो होता है गोल्ड, डायमंड, ये सारे प्रेशियस स्टोन्स फॉर एग्जांपल। एंड ये जो बच्चा है साहिब आलम, इसके लिए गोल्ड क्या है? इसके लिए गोल्ड वो सारी ज़रूरत की चीज़ें जो कूड़ा बीनते वक्त यानी कचरा छाटते वक्त जो कोई निकला है, फॉर एग्जांपल किसी ने यूज़ करे हुए जूते फेंक दिए, किसी ने यूज़ करे हुए कोई खाने की चीज़ फेंक दी, आधी अधूरी कोई चीज़ फेंक दी यूज़ करके, वो साहिब आलम की तरह एक गोल्ड की तरह है। तो वो अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें कहाँ से पूरी करता है? कचरा बीनने के बाद, और कचरा बीनने के इस जॉब से।
साहिब आलम बेसिकली ढाका से है. ढाका इज अ कैपिटल ऑफ आर नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश. वो वहाँ से आया हुआ है एंड वहाँ पे उसकी मदर उसको बताती है कि हमारे घर उजड़ गए थे स्टॉर्म की वजह से, बाढ़ की वजह से. तो वो लोग शिफ्ट होकर कहाँ आ गए, वो लोग शिफ्ट होकर दिल्ली में ही एक लोकेलिटी है दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के आउटर एरिया में, जो कि है सीमापुरी. ये सारे रैक पिकर्स जो हैं वहीं पर रहते हैं एंड यहाँ पे साहिब आलम की भी फैमिली वहीं रहती है. सो जो राइटर है हमारी, राइटर एनीज जंग, वो एक दिन ऐसे ही मिल जाती हैं एक बार साहिब आलम से और उससे पूछती हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो, स्कूल क्यों नहीं जाते. तो साहिब बताता है कि हमारी लोकेलिटी में, हमारे स्लम का जो एरिया है, जो झुग्गियों का एरिया है, यहाँ पे कोई स्कूल है ही नहीं. तो ऐसे ही मजाक में जो ऑथर है उन्होंने बोल दिया साहिब से कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे. और साहिब बहुत खुश होकर कहता है कि हाँ मैं आऊँगा. जब कुछ दिनों बाद जो एनीज जंग हमारी जो ऑथर है फिर से जाती है उस लोकेलिटी में और साहिब उनको देखकर भागते हुए आता है और कहता है आपने स्कूल बना लिया. तो यहाँ पर जो ऑथर है बहुत अशेम्ड फील कर रही है और बहुत एम्बेरस्ड फील कर रही है कि वो उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया एक छोटे बच्चे से जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था. उन्होंने तो मजाक में बोल दिया लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हो सकता है मैंने जो प्रॉमिस करा है बच्चे से, इससे बच्चे ने शायद कुछ ड्रीम्स देखना स्टार्ट कर दियो. तो फिर उन्होंने ये चीज़ सोची कि इन बच्चों से, इन गरीब रैग पिकर से आए दिन हर रोज़ कितने ही लोग आते हैं इस तरीके के झूठे वादे करके चले जाते हैं. तो शायद मैंने भी मजाक मस्ती में या ऐसे ही बिना सोचे समझे जो एक वादा कर लिया था साहिब से, वो उसके लिए शायद कुछ फ़र्क ही ना पड़े उसे. क्यों? क्योंकि उससे रोज़ कई लोग इस तरह से आके जो है क्या करते हैं, प्रोमिसेस कर जाते हैं. फिर एक दिन फाइनली एनीज जंग ने देखा कि साहिब आलम ने अपना रैग का जो बैग है, यानी कूड़ा बीनने वाला बैग जो अपने शोल्डर पे कैरी करता है, वो कैरी नहीं किया हुआ था और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर यानी स्टील का एक बर्तन था जिसमें टी या चाय वगैरह बनाई जाती है. तो उन्होंने देखा कि अब उसके हाथ में वो रैग पिकर वाला बैग नहीं है और स्टील का कैनिस्टर या स्टील का कंटेनर है जिसे उठाकर वो एक टी स्टॉल की तरफ जा रहा था. तो साहिब बताता है उन्हें कि मेरी जॉब जो है, मेरी नौकरी है, एक टी स्टॉल पर लग गई और यहाँ पर मुझे 800 रुपीज़ पर मंथ मिलता है और साथ में मुझे मील्स यानी एक दो वक्त का खाना भी मिलता है. यहाँ पर ऑथर को बहुत बुरा लगता है और फील करती है कि इन बच्चों का जो ज़िंदगी है वो चाइल्ड लेबर में गुजर गई है. चाइल्ड लेबर यानी कि जो 14 ईयर्स से कम बच्चे होते हैं वो जब पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता, वो अच्छे क्लीन इन्वायरमेंट में नहीं रह पाते और इस तरीके के काम काज में उनकी ज़िंदगी बीत जाती है क्योंकि वो बहुत पुअर हैं और पॉवर्टी यानी गरीबी की वजह से उनको ये मजबूरन या फिर फोर्स करवा के उनसे क्या कराया जाता है, चाइल्ड लेबर कराया जाता है यानी कि मजदूरी कराई जाती है, बाल मजदूरी कराई जाती है, इससे इनका फ्यूचर ख़त्म हो जाता है. तो अब जो साहिब था उसका जो बैग था रैग पिक करने का, कचरा पिक करने का, मेरे ख्याल से वो इतना भारी नहीं होगा जितना भारी उसको वो स्टील कैनिस्टर लग रहा था क्योंकि जो बैग था वो उसका खुद का था, वो केयरफ्री था, वो मज़े में रहता था, अपने हंसी खुशी अपना बचपन बिताता था. लेकिन अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है और जो स्टील का कंटेनर है वो भी अब उसका नहीं, किसी और का है और अब उसका जो बचपन है मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो गया है एंड वो अपने बोझ में फंस गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, पैसा कमा के देने की अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी में दब गया है चाइल्ड लेबर की वजह से. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट स्टोरी. अब जो हमारी सेकेंड स्टोरी होती है हम वो हमारे सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में हमारी फर्स्ट स्टोरी जो साहिब आलम की स्टोरी है वो कवर करें थे. तो मैं आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. द ऑथर टेल्स अस स्टॉक्स ऑफ हर इंटरेक्शंस विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स. तो ऑथर इस चैप्टर में, चाहे स्टोरी नंबर वन हो साहिब आलम की या स्टोरी नंबर टू हो मुकेश जो कि एक बैंगल मेकर, चूड़ियाँ बनाने के बिजनेस में इन्वॉल्व है, इनसे पूरा जो इंटरेक्शन होता है हमारी ऑथर का वो इस चैप्टर में मैंशन किया है. उन्होंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है और डिप्राइव्ड बैकग्राउंड यानी कि बहुत गरीब फैमिली से ये बच्चे बिलोंग करते हैं. She describes their poor condition and life in an interesting manner. तो वो उनकी poor condition यानी कि जो उनकी गरीबी वाली ज़िंदगी है उसको बहुत interesting तरीके से describe करती हैं इस पूरे chapter में. The story touches the reader and is thought provoking. जो story जब हम पढ़ेंगे तो हमें वो कहीं ना कहीं touch करेगी, हमें कहीं ना कहीं बुरा लगेगा इन बच्चों के लिए और इस सोसाइटी में जितने भी गरीब बच्चे हैं जो कि पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और चाइल्ड लेबर और पॉवर्टी के जाल में जकड़ चुके हैं, उनके लिए हमें बहुत बुरा लगेगा
एंड इट्स थॉट प्रोवोकिंग. यानी हम सब जो रीडर्स इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं, इन स्टोरीज को रीड करेंगे, हम सोचने पे मजबूर हो जाएं कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि इनकी मदद हो जाए, या आखिर गवर्नमेंट ऐसे क्या इनिशिएटिव्स ले, स्टेप्स ले, ताकि इन बच्चों की लाइफ जो है इम्प्रूव हो जाए और ये लोग एजुकेशन की राह पे मुड़ जाएं. सो हमारा जो चैप्टर की जो फर्स्ट स्टोरी है उसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. सो यहाँ से हमारी फर्स्ट स्टोरी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है. जो टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, इसका मतलब ये है कि कभी कभी एक रुपए का सिक्का मिल जाता है उसको कचरे के ढेर में, किसे, साहिब आलम नाम के रैक पिकर यानी कूड़ा बीनने वाले बच्चे को, कचरा बीनने वाले बच्चे को. तो ये एक रुपए भी इसके लिए एक गोल्ड के बराबर है. और जब एक रुपए मिल जाता है तो उनकी भूख जो है, उनकी जो ग्रीड है कि और ढूंढे और कचरा बीने, ताकि फिर से कुछ हमें एक रुपए का सिक्का या कोई यूजफुल चीज़ मिल जाए उनके हिसाब से, ये जो भूख है उनकी बढ़ती जाती है. सो बेसिकली इस ये सब पढ़ेंगे हम इस फर्स्ट स्टोरी में. सो लेट्स बिगिन. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Scrounging का meaning क्या होता है? Scrounging का मतलब होता है searching for, ढूंढना. तो ये जो question है, why do you do this? कि तुम ये सब क्यों करते हो साहिब? ये कौन पूछ रहा है साहिब से? ये हमारी story की जो author है, Annie's Jung, वो पूछती है साहिब से, ये जो बच्चा है rag picker उससे, कि तुम ये सब रैक पिकिंग, कचरा बीनने का काम तुम क्यों करते हो? और ये कब उन्होंने पूछा? जब हर सुबह साहेब उन्हें मिलता है उनके पास में, उनके पड़ोस में कचरा बीनते वक्त, तो उस वक्त जाकर एनीज जंग ने उनसे ये पूछा. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. शी अमिस्ड सच अमिस्ड द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. तो वो बता रहे कि साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था, और उसका घर कहाँ था? ढाका में. और ढाका क्या है? बांग्लादेश का कैपिटल है, और बांग्लादेश हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है. तो उसने अपना घर कई सालों पहले छोड़ दिया था, और उसे अब अपनी मेमोरी में दूर दूर तक अपने पुराने घर ढाका में जो घर था उनका याद नहीं है कि वो घर कैसा था और वो लोग वहाँ कैसे रहते थे. और उसका घर जो था वो कहाँ था? अमिड्स यानी कि इन द मिडल ऑफ, एक सुंदर से ग्रीन फील्ड्स में, मतलब हरे भरे फील्ड्स के बीच में उनका घर था, एक छोटा सा हट हुआ होगा, तो वहाँ पर उसका घर था. किसका? साहेब का. तो यहाँ पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं चैप्टर के थ्रू, कि साहेब आया कहाँ से था, फ्रॉम वेयर ही वॉज ओरिजिनेटेड. देर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम. तो साहेब की मदर ने उसे बताया था कि उन लोगों ने ढाका क्यों छोड़ा. तो ढाका छोड़ने का रीज़न ये बताया था उन्होंने साहेब को कि वहाँ पर बहुत स्टॉर्म्स, बहुत तूफान, बारिश, आंधी आ गई थी, जिस वजह से उनके छोटे छोटे घर तबाह हो गए, उड़ गए, डैमेज हो गए, जिस वजह से वो लोग यहाँ शिफ्ट होकर आ गए. कहाँ? दिल्ली के पास सीमापुरी में. दैट्स वाई दे लेफ्ट. और इसी वजह से, क्योंकि वहाँ हमेशा बाढ़ आती रहती है, वहाँ पर हमेशा स्टॉर्म्स आते रहते हैं, इसलिए फाइनली उन्होंने उस जगह ढाका को छोड़ दिया. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ. लुकिंग फॉर गोल्ड का मतलब है रैग पिकिंग का काम करना, कचरा बीनने का काम करना है. ये लोग इस तरफ आ गए, ये बड़ी सिटी में आ गए, विच इज़ दिस बिग सिटी? दिल्ली. और दिल्ली में ही एक लोकेलिटी है, उसके दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में जो है सीमापुरी. इस तरीके से कचरा बीनने का जो एरिया है सीमापुरी में, वो कुछ ऐसा दिखता है. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि लुकिंग फॉर गोल्ड का मतलब, यानी यहाँ पर वो कचरा बीनने के लिए और कचरे में से अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें ढूंढने के लिए वो लोग यहाँ पर आ गए. अब सोचिए आप, कितनी बड़ी आयरनी है कि वो लोग एक मुसीबत, ढाका में से निकले, स्टॉर्म्स में से निकले, अपनी कुछ लाइफ को बेटर बनाने के लिए दिल्ली में, और यहाँ पर भी आके कहाँ फंस गए? रैक पिकिंग के काम में, यानी कि कचरा बीनने के काम में. उनकी पूरी फैमिली, उनके बच्चे, खुद साहेब, सब इसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. तो जैसे ही ऑथर ने उसको पूछा कि तुम ये कचरा बीनने का काम क्यों करते हो, तो उसने रिप्लाई क्या दिया ऑथर को? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और काम करने के लिए है ही नहीं, इसीलिए मैं कचरा बीनने का काम करता हूँ. और ऐसा वो मटर करता है, यानी बहुत धीरे से आवाज़ में इधर उधर देखकर बोलता है. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली. ग्लिबली यानी स्पीकिंग और स्पोकन इन एन कॉन्फिडेंट वे, बट विदाउट केयरफुल थॉट ऑफ और ऑनेस्टली.
तो ऑथर उसको क्या बोलती है, गो टू स्कूल. और इस तरीके से इसने कॉन्फिडेंस से बोलती है कि तुम स्कूल जाओ, जबकि उन्हें पता है कि ये प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं है बिकॉज दीज पीपल आर वेरी पुअर. देर इज नो स्कूल. सॉरी, रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. हॉलो का मतलब मीनिंगलेस. तो उन्होंने जैसे ही उसको बोला कि स्कूल जाओ तुम, उसी वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो एडवाइस, ये जो सजेशन मैं दे रही हूँ साहब को, ये कितना हॉलो है, यानी कितना मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, क्योंकि ना तो इनकी लोकेलिटी में कोई अच्छा स्कूल है और ना ही इनके पास इतने पैसे हैं कि ये लोग कोई अच्छे स्कूल में जाना अफोर्ड कर पाए. फिर साहब क्या बोलता है, देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे आस पास कोई स्कूल ही नहीं है. वेन दे बिल्ट वन आई विल गो. फिर वो बोलता है अगर कोई स्कूल कोई आके बनाता है तो मैं जाऊँगा. If I start a school, will you come? तो ऑथर पूछती है साहिब से कि अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करती हूँ तुम्हारी लोकेलिटी में, तुम्हारे नेबरहुड में, तो क्या तुम आओगे? I ask half jokingly. और ये जो उन्होंने ऑथर ने पूछा वो half jokingly पूछा, यानी कि मस्ती मजाक में पूछ लिया, carefree way में पूछा उन्होंने, इतना सीरियसली उन्होंने इस चीज़ को उससे नहीं पूछा. Yes, he says, smiling broadly. स्माइलिंग ब्रॉडली यानी कि बहुत बड़ी सी स्माइल देते हुए, खुश होते हुए साहेब बोलता है हाँ यस मैं ज़रूर आऊँगा अगर आप यहाँ पे एक स्कूल बनाएंगी. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रिटर्निंग अप टू मी. इज योर स्कूल रेडी? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड द स्कूल आई से, एम्बैरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वॉज नॉट मेंट. एम्बैरस्ड का मतलब क्या होता है? फीलिंग अशेम, जब अपने ऊपर आपको शर्म आती है. तो कुछ दिन बाद जब ऑथर वापस साहिब की लोकेलिटी में गई तो साहिब ने उनको देखकर उनकी तरफ भागते हुए आया और कहता है कि आपका स्कूल रेडी है, कि आपने स्कूल बनवा लिया? तो ऑथर क्या बोलती है कि स्कूल बनाने में इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम लगता है. और ये बोलते वक्त ऑथर को बहुत अशेम्ड फील हुआ अपने बारे में, बहुत शर्म फील हुई अपने बारे में कि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया एक छोटे से बच्चे से जो मुझे पता है कि मैं कर ही नहीं सकती और जो प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. और देखो मेरे झूठे प्रॉमिस की वजह से उस छोटे से बच्चे की आंखों में उम्मीद, होप है कि शायद स्कूल बन जाएगा और मैं स्कूल जाऊंगा. बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड. अबाउंड का मीनिंग क्या करता है? एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स, यानी जो चीज बहुत नंबर्स में एग्जिस्ट करती है. ब्लीक का मतलब क्या होता है? एम्प्टी, खाली. और ऑथर ने रियलाइज किया कि जैसा अबाउंड, जैसा प्रॉमिस मैंने किया और अबाउंड प्रॉमिस मैंने किया है ऑथर से, यानी इस तरीके जो के जो प्रॉमिसेस होते हैं मैंने जो किया, इस तरीके के बहुत सारे लोग आते हैं और इन बच्चों से बहुत ढेर सारे इस तरीके के प्रॉमिस करके जाते हैं कि तुम्हारे लिए हम यहाँ स्कूल बनाएंगे, यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनेगा तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए रोड्स साफ करवा जाएंगे, और कभी वो प्रॉमिसेस पूरे ही नहीं करते इस ब्लीक वर्ल्ड में, यानी कि इस खाली दुनिया में, इन बच्चों की इस एम्प्टी वर्ल्ड में इस तरीके के बहुत सारे प्रॉमिसेस आए दिन लोग आते हैं और करके चले जाते हैं और शायद कभी पूरे नहीं करते. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम. साहिब आलम ही अनाउंसेस. तो अब ऑथर जो हैं वो साहिब को कई दिनों से जानती हैं और फाइनली उन्होंने आज उससे उसका पूरा नाम पूछा और वो अनाउंस करता है अपना नाम बहुत प्राउडली, साहिब आलम. क्या है उसका नाम पूरा? साहिब आलम. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. तो author यहाँ पे बोलती हैं कि उसने अपना नाम इतनी proudly announce किया साहिब-ए-आलम, पर उस बच्चे को अपने नाम का meaning नहीं पता था, क्योंकि अगर वो उसे अपने नाम का meaning पता होता तो वो अपनी condition और अपने नाम को कभी मैच नहीं कर पाता और believe ही नहीं कर पाता कि जो मेरा नाम है मैं reality में वैसा हूँ ही नहीं. और उसके नाम का मीनिंग क्या था? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरी यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया का लॉर्ड, भगवान जो शायद सबको रूल करता है. तो वो उसका जो नाम का मीनिंग था उसकी पर्सनालिटी और उसकी रियल लाइफ कंडीशन से बिल्कुल मैच नहीं करी थी, क्योंकि वो एक कूड़ा बीनने वाला था और लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स से उसका बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था. अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स इन द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज who appear like in the morning birds and disappear at the noon. तो वो उसे अपने साहिब को अपने नाम का मीनिंग पता नहीं है और वो इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ बेयर फुट यानी कि नंगे पैर, बिना कुछ पैरों में शूज या
स्लिपर्स पहने हुए वो लोग अपने घरों से सुबह सुबह निकलते हैं कचरा बीनने के लिए, और नून यानी कि दिन के 12 बजे तक गायब हो जाते हैं, यानी कि अपने घरों में वापस चले जाते हैं। तो सुबह से ये जो बच्चों की गैंग है, ये जो बच्चों की टोली है साहिब और उसके फ्रेंड्स की, ये नंगे पैर निकलते हैं अपने घरों से, और मॉर्निंग बर्ड्स यानी अर्ली इन द मॉर्निंग ये लोग निकलते हैं कूड़ा कचरा बीनने के लिए, और दिन के 12 बजे तक गायब हो जाते हैं, यानी अपने घरों में चले जाते हैं या इधर उधर घूमने फिरने चले जाते हैं। Over the months, I have come to recognize each of them. और अब कई महीने हो चुके हैं और इन सारे बच्चों को धीरे धीरे जो हमारी ऑथर है वो जानने लगी अब। Why aren't you wearing chappals? I ask one. तो एक बच्चे से जो हमारी ऑथर है उन्होंने पूछा कि Why aren't you wearing chappals? तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. तो उस बच्चे ने ऑथर को आंसर किया कि मेरे पास चप्पल तो है लेकिन मेरी माँ ने मुझे शेल्फ में से, एक जो एरिया है जहाँ पे हम फुटवेयर रखते हैं वहाँ से शेल्फ में से निकाल के नहीं दिया, तो मैंने पहना भी नहीं। उसने सिंपली आंसर कर लिया ऐसा। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एज अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो अब दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर इसकी मम्मी इसको शेल्फ में से शूज़ निकाल कर भी दे देती तो ये पहनता नहीं, ये फेंक देता। ऐसा दूसरा बच्चा बोलता है, और वो बच्चा कैसा है, उसने शूज़ पहने पर कैसे पहने, वो शूज़ जो मैच नहीं करते, यानी दोनों अलग अलग शूज़ पहने हुए उसने, एक पैर में दूसरी चप्पल है दूसरे पैर में दूसरी चप्पल्स पहनी उसने। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। तो जब ऑथर ने उस बच्चे से पूछा कि तुमने ये दोनों अलग अलग पैरों में अलग अलग चप्पलें क्यों पहनी है, सेम क्यों नहीं पहनी, तो वो अपने पैर शफल कर लेता है, यानी कि स्लाइड्स देम ओवर ईच अदर, यानी एक पैर के पीछे एक पैर छुपा के ऐसे खड़े हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा शायद एम्बेरस हो गया था ऑथर के सामने, तो उसने अपने पैर छुपाने की कोशिश करी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि साहिब आलम चप्पल पहनता नहीं है, उसका एक दूसरा फ्रेंड है जो कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे शेल्फ से चप्पल उतार के नहीं दी इसलिए मैंने नहीं पहनी। तीसरा बच्चा क्या बोलता है कि मुझे शूज़ चाहिए, वो बोलता है आई वॉन्ट शूज़। एक तीसरा बच्चा है वो बोलता है मुझे शूज़ चाहिए, और ये जो दूसरा बच्चा है जिसकी मम्मी इसको शू अगर देती मैं शेल्फ से उतार के तो वो पहनता नहीं, उतार के फेंक देता। इन सब से हमें क्या समझ में आ रहा है, इन सब से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो तीसरा बच्चा था वो बोलता है आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तो तीसरा बच्चा बोलता है कि मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में कभी शू पहना ही नहीं, और मेरी इच्छा है, मेरी डिजायर है कि मैं एक बार शू खरीदूं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। तो ऑथर यहाँ कहती कि मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल किया है ऑलमोस्ट, एंड मैंने जब भी विलेज के गांव के छोटे पुअर बच्चों को देखा है तो वो हमेशा बेयरफुट यानी बिना पैरों में चप्पल पहने ही इधर उधर घूमते हैं। तो ये लोग इतने गरीब होते हैं, इन सब का मतलब ये निकल रहा है यहाँ पे कि ये लोग इतने गरीब होते हैं कि इनके पास चप्पल्स तक अफोर्ड नहीं करने को होती। कचरा बीनते वक्त अगर इनको दो अलग अलग चप्पलें भी मिल जाती हैं तो ये लोग उसे ही पहनकर इस तरीके से खुश हो जाते हैं और उन प्राउड फील करते हैं कि एटलीस्ट चप्पल पहनने को तो आई। तो बेसिकली इन बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया, इनकी फैमिलीज ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम पुअर हैं, हम लोग गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि हमारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। तो ऑथर कहती हैं कि जब मैं इधर उधर ट्रैवल करती हूँ, लोगों को बच्चों को देखती हूँ कि वो नंगे पैर इस तरीके से घूम रहे हैं और उनसे पूछती हूँ कि आप क्यों इस तरीके से नंगे पैर घूमते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है चप्पल खरीदने का, हम खरीद सकते हैं लेकिन ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा रिवाज है, हमारा कल्चर ही है कि हम लोग नंगे पैर रहें। तो इन लोगों ने अपने गरीबी को छुपाने का एक फालतू का एक एक्सक्यूज़ दे दिया सामने कि हम लोगों का ये रिवाज है, हम तो नंगे पैर ही रहते हैं, क्योंकि वो बेचारे इतने गरीब हैं, वो पैसे उनके पास है ही नहीं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते चप्पल खरीदना, तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा एक्सक्यूज़ दे दिया, रिवाज नाम की चीज़ को बीच में रख दिया ताकि बार बार कोई शायद उनसे क्वेश्चन ना करे और उनका और उनके बच्चों का माइंड सेट रहे कि हमारा रिवाज है नंगे पैर रहना, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और उनको उनके अंदर आदत हो जाती है नंगे पैर रहने की। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। एक्सक्यूज यानी कि कोई बहाना, अ रीजन टू जस्टिफाई अ फॉल्ट, किसी भी फालतू चीज को जस्टिफाई करने के लिए जब आप कोई बहाना देते हो उसे हम एक्सक्यूज कहते हैं।
perpetual state of poverty, इसका मतलब यह है never ending condition of being poor. तो यानी कि यहाँ पर author सोच रही है कि इन बेचारे लोगों की हालत वो है कि इन्हें पता है कि हमारी गरीबी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, हम कितना भी काम कर लेंगे, कितना भी कूड़ा बीन लेंगे या कोई सा भी काम कर लेंगे, हमारी गरीबी ख़त्म नहीं होने वाली. इसलिए इन्होंने अपने चप्पल ना पहनने की बात को एक एक्सक्यूज़ दे दिया है कि ये हमारा रिवाज है कि हम बिना चप्पल के ही रहते हैं, ताकि उनका माइंड और उनके बच्चों का माइंड सेट हो जाए कि हम अब चप्पल नहीं पहन सकते और ना ही हम अफोर्ड कर सकते. आई रिमेंबर अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट. तो साहिब की स्टोरी बताते बताते अब ऑथर हमें एक दूसरी स्टोरी का एग्जाम्पल दे रही है, और वो बताती हैं कि मुझे याद है एक स्टोरी जो मुझे एक बॉय ने बताई थी, और वो बॉय कहाँ का था, उडीपी नाम की जगह था. अब उडीपी कहाँ है, ये हमारे इंडिया का मैप है, और ये जो आप डार्क पोर्शन देख रहे हैं ये कर्नाटका स्टेट है. कर्नाटका स्टेट में एक छोटी सी जगह है उडीपी, यहाँ पर तो ये एक जगह उडीपी है. ओके, सो यहाँ पे ऑथर बताती है कि मुझे एक स्टोरी याद आ रही है एक बॉय की जो कि बहुत गरीब था और उडीपी नाम की जगह से बिलोंग करता था. वो जब भी सुबह स्कूल जाता था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, और मंदिर में जो पुजारी थे, जो प्रीस्ट थे, वो उस बॉय के फादर थे, उसी के पापा वहां पे पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज. 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन. डेजोलेशन का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बींग एम्प्टी, जो जगह बिल्कुल खाली हो जाती है, वीरान हो जाती है, उसे हम डेजोलेट बोलते हैं. तो वो आगे बताती हैं हमें ऑथर कि वो जब बच्चा स्कूल जाता था सुबह तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था जहाँ पे पुजारी उसके फादर ही हुआ करते थे. तो स्कूल जाते वक्त वो शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ रुकता था और भगवान से दिल से प्रेयर करता था कि भगवान मुझे एक पैर शूज मिल जाए, यानी एक जोड़ी जूते या चप्पल मिल जाए ताकि मैं उसे पहन पाऊँ, क्योंकि बच्चा बहुत पुअर था और इसके पास जूते या चप्पल पहनने के लिए नहीं थे. तो आप सोचिए इतना छोटा सा बच्चा स्कूल जाते वक्त भगवान से क्या प्रेयर करता है. ये प्रेयर नहीं करता कि मैं पढ़ाई में बहुत बड़ा बन जाऊँ, बड़ा आदमी बन जाऊँ, नहीं, उसकी एक छोटी सी कामना है, छोटी सी इच्छा है कि भगवान मुझे एक बहुत अच्छा या एक नॉर्मल सही जूतों का पैर मिल जाए पहनने को. उसके बाद ऑथर 30 साल के बाद वापस यहाँ पर विजिट करती है इस टाउन में, उडीपी में विजिट करती हैं, और वो देखती हैं कि जो टेम्पल था वो बिल्कुल वीरान हो चुका था, और जो पूरा शहर था अब इट वॉज ड्राउंड इन द एयर ऑफ डेजोलेशन, यानी पूरा शहर उडीपी बिल्कुल वीरान हो गया था, वहाँ कोई नहीं लोग रहता था और मोस्टली खाली रहता था, बहुत कम लोग वहाँ रहते थे. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. अब जो टेम्पल वहाँ पर पहले था उसके पीछे बैकयार्ड, यानी घर का बैक का जो हिस्सा होता है वो, वहाँ पे अब एक नए प्रीस्ट रहते हैं. पहले वाला प्रीस्ट तो कहीं चले गए, जो ओडीपी वाले बॉय के फादर थे वो अब कहीं चले गए, वहाँ पर एक नए प्रीस्ट रहते हैं, और वहाँ पे कुछ रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई हैं. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. पैंटिंग मतलब टेकिंग शॉर्ट एंड क्विक ब्रेथ्स, यानी जो बहुत थक जाते हैं और हाँफने लगते हैं उसे हम पैंटिंग कहते हैं. तो वहीं पर ऑथर देखती हैं कि स्कूल से एक बच्चा आता है ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहन के, और बड़ा भारी सा इस तरीके से बैग लिया हुआ रहता है अपने बैग पे. फिर फाइनली वो अपना बैग उतारता है और एक फोल्डिंग बेड रखा हुआ था वहाँ पे, उस पर अपना बैग रखता है, और वो बहुत अच्छा, वो जो बच्चा है बहुत वेल ड्रेस्ड है, उसने शूज़ पहने, सॉक्स पहने हुए हैं, और वो बहुत हाँफते हुए आया है क्योंकि बहुत भारी बैग कैरी करके आया है स्कूल से. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. तो इस बच्चे को देखकर ऑथर को वो 30 साल पुराने बच्चे की याद आ जाती है जो स्कूल जाते वक्त हमेशा रुकता था वहाँ पर मंदिर पर और भगवान से प्रेयर करता था कि भगवान मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए. और जब उसको मिल गए तो वो गॉडेस यानी माता रानी से प्रेयर करता था कि भगवान अब ये जूते मैं कभी खोऊँ ना, ये हमेशा मेरे पास रहे. तो उसने हमेशा जूतों की प्रेयर करी, जूतों के लिए प्रेयर करी कि पहले मिल जाए, और मिल गए तो ये भगवान मैं कभी खो ना, इसे कभी गुम ना करूँ, ये शूज़ हमेशा मेरे पास रहे. तो बेसिकली इस बच्चे को देख के ऑथर को इसी जगह के 30 साल पुराने एक पुजारी के उस बच्चे की याद आई जो हमेशा शूज़ के लिए प्रेयर करता था, और जो गॉडेस थी, जो भगवान थी, उन्होंने उसकी प्रेयर मान ली थी उस बच्चे की, उसको शूज़ दे दिए थे. यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट
नाउ वोर शूज। अब गांव के जो बच्चे हैं वो 30 साल बाद अब जूते पहनना स्टार्ट कर दिए गए हैं और शायद अब वहाँ की जो सिचुएशन है वो बेटर हो गई, क्योंकि पहले वहाँ पे जो बच्चे थे वो जूते नहीं पहना करते थे और अब प्रीस के जो बच्चे हैं वहाँ की जो कंडीशंस है बेटर हो गई हैं, सब शूज सॉक्स पहनने लग गए हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैगपिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। तो अब ऑथर वापस साहिब की स्टोरी पर आती हैं और कहती हैं कि अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरे पड़ोस में जो रैग पिकिंग करते हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं और शूलेस रहते हैं, यानी कि बिना शूज़ के रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू द सीमापुरी, अ प्लेस इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। तो एक्वेंटेंस यानी कि कॉन्टैक्ट, किसी से छोटा मोटा जब कॉन्टैक्ट हो जाता है, जान पहचान होती है, उसे हम हमारा एक्वेंटेंस कहते हैं। तो ऑथर कहती हैं कि अब जो मेरा एक्वेंटेंस है, यानी जो अब जिसको मैं थोड़ा बहुत जानने लग गई हूँ, जिस रैग पिकर बच्चे को, साहिब को, वो मुझे अब कहाँ लेकर आया, वो मुझे लेकर आया है सीमापुरी। ये एक प्लेस है दिल्ली के पेरीफेरी पे, यानी दिल्ली के आउटर एरिया पे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरा एरिया दिल्ली है तो ये जो आउटर एरिया जो है ये आपका सीमापुरी है। सो बेसिकली सीमापुरी वो जगह है जो दिल्ली का ही पार्ट है पर दिल्ली के आउटर एरिया में बिलोंग करता है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली, मेटामॉर्फिकली यानी कि सिम्बॉलिकली। यहाँ पर ऑथर ये बोलना चाहती हैं कि जो दिल्ली की जो बाउंड्री है, जो आउटर एरिया है, वहाँ पर सीमापुरी, और जो सीमापुरी है वो दिल्ली का ही पार्ट है लेकिन सिम्बॉलिकली, सिर्फ सिम्बल्स में, मैप्स में इधर उधर दिखता है, लेकिन उसको कोई दिल्ली जैसी बड़ी सिटी का अपना पार्ट नहीं मानता, बिल्कुल अलग ही उसको छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे रैग पिकर्स रहते हैं और वहाँ पे जितने लोग हैं रैग पिकिंग यानी कचरा कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो सिम्बॉलिकली मेटामॉर्फिकली का मतलब ये है कि है तो दिल्ली बहुत बड़ी, बहुत ग्रैंड सिटी है, इंडिया की कैपिटल है, लेकिन जो उसी का पार्ट है सीमापुरी, वो उसका पार्ट नहीं लगता, वो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, एक तरीके से वेस्ट लैंड हो चुका है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. तो यहाँ पर author बताती हैं कि जितने भी लोग इस वक्त सीमापुरी में रहते हैं वो सब squatters हैं, यानी कि a person who unlawfully occupies an inhabited building or unused land. तो ये सारे वो लोग हैं जो 1971 में ढाका छोड़कर आ गए थे इंडिया में, दिल्ली के सीमापुरी जगह पे। और ये लोग ढाका छोड़ के क्यों आए थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टॉर्म्स की वजह से इन लोगों के घर उजड़ गए थे। सो ये लोग वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सीमापुरी नाम की जगह है, यहाँ पे कौन रहते हैं, स्क्वाटर्स रहते हैं, वो लोग रहते हैं जो 1971 में बांग्लादेश छोड़कर ढाका से आए थे, और इन्होंने अब बिना किसी गवर्नमेंट परमिशन के बस ये खाली जगह देखी और इस जगह पे कब्जा करके यहीं पे रहने लगे। और साहिब की फैमिली भी इन लोगों के इन लोगों में ही आती है जिन लोगों ने गवर्नमेंट की इस लैंड को अनलॉफुली कब्जा करके ऑक्यूपाई करके यहीं रहने लग गए। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। वाइल्डरनेस का मतलब क्या होता है? अ वेस्ट लैंड। आप लोगों ने अगर साइंस में पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके का एक वेस्ट लैंड होता है। हर शहर का एक आउटस्कर्ट्स में एक वो एरिया होता है जहाँ पे पूरा कचरा कूड़ा डंप किया जाता है, वहीं पे उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। तो बता रहे हैं कि जब 1971 की बात कि तब सीमापुरी नाम की जो जगह थी ये एक वेस्ट लैंड थी, यानी कि किसी कोई भी यहाँ पे नहीं रहता था, कचरा कचरे की जो गार्बेज की प्रोसेसिंग होती है सब यहीं पर होती थी। ये अब भी ये वेस्ट लैंड ही है जब साहिब जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि तब ये खाली थी, उस वक्त ये कोई रहता नहीं था, और इतने साल बाद भी ये वेस्ट लैंड ही है, यहाँ पे कचरा कूड़ा यही सब भरा हुआ है, लेकिन बस अब फ़र्क ये है कि ये खाली नहीं है, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो बेसिकली इस जगह की ये इस बात से समझाना चाहते हैं कि इस जगह की कोई प्रोग्रेस या कोई डेवलपमेंट नहीं हुई इतने सालों में, वैसी की वैसी, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग नहीं थे और अब लोग रह रहे हैं और वो भी यही काम कर रहे हैं। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. तो बता रहे हैं कि सीमापुरी की जगह कैसे, यहाँ पे जो भी घर बने वो structures of mud है, यानी कि छोटे छोटे मिट्टी के घर बने हुए हैं यहाँ पर, with roofs, और जो घर की जो छतें हैं
वो टिन और टारपोलिन से बनी हुई है। टारपोलिन यानी कि हैवी ड्यूटी वाटरप्रूफ क्लॉथ, यानी कि उस कपड़े से ढकी हुई है इन इन मिट्टी के घरों की छत, जिसमें पानी अंदर नहीं आ पाता है। यानी कि इससे पता चल रहा है कि कितनी एडवर्स कंडीशंस के घर हैं यहाँ के लोगों के। घर क्या, हट्स मतलब झुग्गियाँ। डिवॉइड यानी लैक ऑफ सीवेज फैसिलिटी, और यहाँ पे कोई सीवेज फैसिलिटी, फ्लश करने की फैसिलिटी भी यहाँ पे ढंग से नहीं दी हुई है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यहाँ पे अच्छा साफ सुथरा पानी, ड्रेनेज यानी कि गंदा पानी जाना और साफ पानी का आने का जो भी सिस्टम, जो भी पाइपलाइंस के थ्रू गवर्नमेंट बिल्ट अप करती है किसी भी एरिया में, वो सब यहाँ नहीं है। और इतनी बुरी कंडीशन में 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कूड़े बीनने वाले लोग सीमापुरी में रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एनी आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रीन। तो ये लोग सीमापुरी में कितने साल से रह रहे हैं, 30 साल से ज़्यादा हो चुका है इन लोगों को यहाँ रहते हुए, बिना किसी आइडेंटिटी के रहते हैं यहाँ पे। यानी इनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, बस क्या है इनके पास, कुछ परमिट्स हैं, यानी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स छोटे मोटे हैं। आधार कार्ड भी नहीं होगा इनके पास, तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं होती, सिर्फ कुछ लीगल छोटे मोटे डॉक्यूमेंट होंगे। सॉरी, विदाउट परमिट्स, यानी इनके पास परमिट्स भी नहीं है। तो ना ही इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ना ही इनके पास कोई परमिट्स है, यानी कोई आधार कार्ड, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि हाँ ये जगह हमारी है और यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी घर जो भी है वो हमारा है। इन लोगों के पास यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, राशन कार्ड्स हैं। राशन कार्ड वो कार्ड होता है जो गवर्नमेंट देती है, और जिसको दिखा के आपको बैड क्वालिटी का कैसा भी आपको अनाज दे दिया जाता है ताकि आपका घर चल जाए। और वो भी इनको गवर्नमेंट ने क्यों दिया है, ताकि अगर इनको खाना मिलेगा तो ये अनपढ़ या इलिटरेट लोग गवर्नमेंट के लोगों को क्या देंगे, मिनिस्टर्स को क्या देंगे, वोट डालेंगे, और जिससे वो लोग जीत जाएं। तो गवर्नमेंट ने इनको राशन कार्ड और ये जगह सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने बेनिफिट के लिए दे के रखी है, ताकि ये लोगों को खाना मिल जाए और गवर्नमेंट को इनसे प्रेशियस वोट्स मिल जाएं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, और इन लोगों के लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोग पेट भर खाना खा के रात को चैन से सो सकते हैं, ये इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी आइडेंटिटी से। यानी इनको अपने लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड, कोई आधार कार्ड, कोई लाइसेंस, कोई जगह के डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इनको तो बस राशन कार्ड मिल जाए, खाना मिल जाए, बस उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं कि कंडीशन कैसी है, हम कैसे रह रहे हैं, क्या। तो इन लोगों ने अपनी गरीबी को बहुत बुरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है और माइंड्स में बिठा लिया है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड सारीज व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लिव देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। टैटर्ड यानी कि तोन, फटी पुरानी। तो जब ऑथर कुछ वहाँ पे बैठी हुई लेडीज से, जो कि फटी पुरानी गंदी सी ऐसी साड़ी पहन के बैठी होती हैं, उनसे पूछती हैं कि आप लोगों ने अपने ढाका के इतने ब्यूटीफुल फील्ड्स और इतनी अच्छी जगह को क्यों छोड़ा, क्यों उस जगह को छोड़ के यहाँ सीमापुरी में आके कचरा बीनने का काम कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, वो बोलती हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास ब्यूटीफुल फील्ड हो ना हो, हमारे पास तो बस अच्छे से खाना खाने के लिए हो, और रात में जब हम सोने जाएं तो हमारा पेट भरा हो, हमारा पेट भूख से दर्द ना हो, यही हमारे लिए बहुत है। हमें ग्रीन फील्ड्स, हमें सुंदर जगह से कोई लेना देना नहीं है। ऑल्सो वो ये बोलती हैं कि जो जगह में हमको खाना मिलेगा हम वहीं रहेंगे, ना कि सुंदर जगह पर रहें और खाना ही ना मिले। तो ये सब वहाँ के लोगों की मैंटेलिटी है, जो कि ऑथर को पता चलती है। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Transit homes यानी कि temporary homes. तो इन लोगों को जहाँ पर भी जगह मिलती है कि इस जगह पे कुछ दिन अच्छा खाना मिलेगा, वो अपने temporary homes यानी कि अपने transit यानी इधर से उधर shift करने वाले जो छोटी छोटी tent या झुग्गियाँ होती वहीं पे pitch कर देते हैं, यानी तंबू गाड़ के वहीं पे रहने लग जाते हैं ताकि उन्हें खाना मिले। Children grow up in them, और इन्हीं temporary homes से जो इधर से उधर shift होते रहते हैं उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, becoming partners in survival। जैसे उनके parents rag picking का, कचरा बीनने का काम करते हैं, इनके बच्चे भी बढ़ती उम्र में अपने माँ बाप के साथ यही काम करना start कर देते हैं। And survival in Simapuri means rag picking। और अगर आपको सीमापुरी नाम की जगह में survive करना है, जिंदा रहना है, तो आपको रैक पिकिंग करनी पड़ेगी, यानी कचरा कूड़ा बीनने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे और कुछ नहीं, सिर्फ यही काम होता है।
थ्रू द ईयर्स इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट. तो वो कह रहे हैं कि अब इतने साल हो गए हैं यहाँ के लोगों को रैग पिकिंग का काम करते हुए कि अब तो उनके लिए रैग पिकिंग एक आर्ट हो गई है, एक कला हो गई है कि कौन कितना यूजफुल सामान निकाल सकता है, कौन कितना कचरे को बीन सकता है और उसमें से कोई थोड़ी बहुत यूजफुल वाली चीज़ अपने लिए निकाल सकते हैं. तो इनको तो ये करना अब आर्ट हो गई है, इनके लिए कला हो गई है. इन लोगों के लिए गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड. ये जो गार्बेज है वो इनके लिए गोल्ड है. आप सोचिए कितनी कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है कि गार्बेज इनके लिए गोल्ड हो गया है, कचरा इनके लिए सोने बराबर हो गया है. हम लोगों के लिए सोना चांदी हीरा मोती ये सब चीज़ें प्रेशियस होती है, लेकिन ये जो रैग पिकर्स है सीमापुरी के लिए, इनके लिए क्या प्रेशियस है, क्या कीमती है, जो कूड़ा बीनते वक्त कोई ज़रूरत की चीज़ इनके सामने आ जाए, जो इनके काम आ जाएगी, वो इनके लिए गोल्ड बराबर है, यानी सोने के बराबर है. इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर द हेड, इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ. तो वो कह रहे हैं कि कचरा बीनने का जो काम है, रैग पिकिंग का जो ये प्रोफेशन, जो काम ये लोग कर रहे हैं, ये इनके लिए डेली ब्रेड है, यानी इसी से इनके घर में रोटी आता है, अनाज आता है, और इनके सर पे जो छत है, जो घर है, वो इसी से आए हुए पैसे से है. भले ही वो छत एक लीकिंग छत क्यों ना हो, यानी उसमें से पानी ही क्यों ना उनके घरों में टपक रहा हो, पर फिर भी रैग पिकिंग के काम से ही उनके सब काम हो रहे हैं. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. तो वो कह रहे हैं कि एक बच्चे के लिए रैग पिकिंग उससे भी ज़्यादा है. उनके पेरेंट्स के लिए रैग पिकिंग का मतलब क्या है, सर्वाइवल. पेरेंट्स के लिए रैग पिकिंग का मतलब है सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना और खाना कैसे भी अपना इससे खरीद के मैनेज करके खाना. लेकिन बच्चों के लिए रैग पिकिंग का जो मीनिंग है, यानी कचरा बीनने का जो काम है, वो अलग है. आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप. लाइटिंग अप यानी कि शो जॉय एंड हैप्पीनेस, खुशी से जब आंखें भर जाती हैं उसे हम लाइटिंग अप कहते हैं. तो साहिब बताता है ऑथर को कि कभी कभी मुझे कचरे में से 1 रुपये का सिक्का या कॉइन या कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है. तो बच्चों के लिए क्या एक वंडर है, एक अजूबा जैसा है कि कचरा बीनते वक्त देखो हमें क्या क्या मिला. 1 रुपये का सिक्का मिल गया, 10 का नोट मिल गया, 2 अलग अलग जूते मिल गए, दोनों अलग अलग हमने पहन लिए. तो ये सारी चीज़ें उनके लिए, वो सारी इच्छाएं हैं, वो सारी ड्रीम्स हैं जो शायद वो कभी पूरा नहीं कर सकते, और कचरे में से वो निकली अगर वो चीज़ तो वो उनके लिए पूरी हो जाती है वो चीज़. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. तो author कहती हैं कि जब इन बच्चों को 1 रुपये का सिक्का, कभी जूते, कभी 10 का नोट, ये सब मिल जाता है, तो इनकी scrounging यानी इनका कचरा बीनने का जो काम है वहाँ रुकता नहीं है, बल्कि और बढ़ जाता है इस होप में, इस उम्मीद में कि अब देखते हैं कि अब क्या यूजफुल चीज़ निकलेगी, अब क्या काम की चीज़ हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो जो लोग घरों में सामान यूज़ करके कचरे में फेंक देते हैं, गार्बेज में फेंक देते हैं, वो चीज़ इनके लिए यूज़फुल है, गोल्ड के समान है, यानी इतनी प्रेशियस होती है. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट पेरेंट्स टू फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल. तो बोल रहे हैं कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उसके लिए रैग पिकिंग का मीनिंग क्या है, सर्वाइवल, यानी इसी से ही ये लोग खाना बनाते हैं और घर में इनका घर चलता है. और बच्चों के लिए रैग पिकिंग का मतलब कोई वंडर है, कोई ऐसी चीज़, कोई अजूबा, कोई यूजफुल चीज़ जो गार्बेज में से निकल जाए. तो पेरेंट्स और बच्चों के लिए रैग पिकिंग के मीनिंग्स डिफरेंट हैं. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस. तो एक दूसरा इंसिडेंट बताती हैं ऑथर हमें, जो साहिब के साथ ही उन्होंने देखा और एक्सपीरियंस किया. वो बताती हैं कि एक दिन सर्दियों की सुबह थी और मैंने साहिब को एक फेंस लगे हुए, ऐसे जाली लगे हुए, ऐसे स्टेडियम के बाहर इस तरीके से खड़े हुए देखा. वो बाहर से क्या देख रहा था, ये सारे प्लेयर्स को देख रहा था अंदर, जो वाइट कलर की ड्रेस में क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे. आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. तो उसने धीरे से क्या बोला कि मुझे ये गेम जो है वो बहुत अच्छा लगता है. भले ही साहिब को पता भी नहीं कि ये कौन सा गेम है, क्या इस गेम को खेलने के रूल्स हैं, बस उसकी इच्छा है कि मैं बाहर से इस तरीके से खड़े हुए देखूं, और वो कंटेंट है, यानी कि वो सैटिस्फाइड है कि वो फेंस यानी जाली के बाहर खड़े होकर लोगों को देख के ही खुश हो रहा है, क्योंकि अंदर जाके खेल नहीं सकता वो. I go inside when no one is around, he admits. तो वो ऑथर को बताता है कि कभी कभी जब कोई भी नहीं होता तो मैं चुपके से अंदर चले जाता हूँ, क्यों, और उस जगह का फील लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना.
द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और वो बताता है कि जो गेट कीपर है यानी कि जो वॉचमैन जो गार्ड है जो स्टेडियम के बाहर ग्राउंड के बाहर जो बैठता है वो मुझे वहाँ पे झूले झूलने भी देता है, स्विंग्स पे झूलने देता है. साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. तो साहिब ने भी क्या पहने हुए हैं, बहुत अजीब से फटे पुराने टेनिस शूज पहने हुए हैं जो कि बहुत अजीब और बहुत अलग बिल्कुल ऑड जा रहे हैं, जो कि उसने गंदी सी और कलरलेस जो शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई है उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे उसके शूज. समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और ऑथर को वो एक्सप्लेनेशन देते कि मुझे ये जूते किसी ने दे दिए डोनेशन में या दान में. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम. डिस्कार्डेड यानि थ्रोन अवे, फेंके हुए. बॉदर यानि कि वरी, किसी भी बात की चिंता. तो वो बताता है कि किसी एक रिच बॉय के ये शूज़ हैं जिसने ये डिस्कार्ड कर दिए थे, फेंक दिए थे. क्यों? क्योंकि इसके एक किसी शू में एक होल था, एक छेद हो गया था, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें होल या छेद है, मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मुझे टेनिस शूज़ मिल गए. सो एक गरीब बच्चे को जब जिसको शूज़ या चप्पल देखने को भी नहीं मिलती और उससे टेनिस शूज़ मिल गए तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा कि इसमें कोई होल है या ये थोड़ा सा ख़राब भी हो रहा है. तो For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. उसके लिए तो ये सपना पूरा होने वाली बात हो गई थी कि उसे तो shoes मिल गए. But the game he is watching so intently is out of his reach. जो गेम साहेब इतना intently, इतना seriously, इतना ध्यान से देख रहा था टेनिस का ग्राउंड के बाहर खड़े होके, वो उसके आउट ऑफ रीच है, यानी कि वो ये गेम कभी नहीं खेल सकता, ना ही अंदर जा सकता है. This morning Sahib is on his way to the milk booth. और अब एक दूसरी मॉर्निंग का इंसिडेंस बता रही है हमें ऑथर कि आज सुबह ऑथर उनको साहिब उनको दिखा और कहाँ जाते हुए दिखा, मिल्क बूथ यानि सांची हो गई, डेयरी हो गई, जहाँ पे सुबह सुबह दूध मिलता है या मिल्क सप्लाई होता है, वहाँ पे साहिब जा रहा था. इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में क्या है, एक स्टील कैनिस्टर यानी एक स्टील का कंटेनर या एक बर्तन जिसमें मिल्क आप रखते हो. I now work in a tea stall down the road, he says pointing in a distance. तो साहिब क्या बताते हैं ऑथर को कि मैं उधर इशारा करके बताता हूँ उस मिल्क बूथ पे कि मैं अब यहाँ पर एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ, एक मिल्क बूथ पर काम करता हूँ. I am paid 800 rupees all my meals. तो वो बताता है कि मुझे इसके बदले 800 रुपये मिलते हैं महीने के और सारी मील्स यानी सारा दिन का खाना भी मुझे यहाँ पर मिलता है. Does he like the job? I ask. तो ऑथर उससे पूछती है क्या तुम्हें ये जॉब अच्छा लग रहा है साहिब. हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक. तो इस उसका साहिब का चेहरा देखकर ऑथर को समझ में आता है कि उसके चेहरे से वो बचपन का जो भोलापन है, जो केयर फ्री लुक है, जिसको किसी की चिंता नहीं होती, जो अपने दोस्तों के साथ नंगे पैर भाग जाता था कचरा बीनने, कूड़ा बीनने, अपनी लाइफ को एंजॉय करता था, खेलता कूदता मस्ती करता था, वो सब अब क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया, उसके चेहरे से वो फीलिंग गायब हो गई है. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. तो वो बताती हैं कि जो ये कचरे का, जो कूड़े का बैग था, रैग पिकिंग का जो बैग था, जो वो अपने शोल्डर पे कैरी करता था, जो कि इतना भारी होता था, वो उसको कितना लाइट लगता था, और जो स्टील कैनिस्टर जो कि एक छोटा सा बर्तन है, वो उसको अब क्या लग रहा है, बहुत हैवी लग रहा है. क्यों? क्योंकि जो बैग था वो उसका खुद का था, वो अपना खुद का मालिक था, और जो स्टील कैनिस्टर, जो स्टील का ही बर्तन है, वो किसी और का है, किसी और ओनर के अंडर वो काम कर रहा है, तो वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा. द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. तो बैग उसका खुद का था और जो कैनिस्टर, जो स्टील का बर्तन था, वो उस इंसान का था, उस ओनर का था जिसका वो टी स्टॉल था. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और अब साहिब अपना खुद का मास्टर, अपना खुद का मालिक नहीं रहा, वो किसी के अंडर काम करने लग गया, और इसी चाइल्ड लेबर की वजह से, इसी यानी इसी बाल मजदूरी की वजह से साहिब का बचपन अब ख़त्म हो गया. उसने बचपन में जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, स्कूल जाते हैं, खेल खिलौनों से खेलते हैं, उसने अपने बचपन को ख़त्म कर दिया और किसी के चाय के स्टॉल पे, टी स्टॉल पे काम करने लग गया और अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन अपने शोल्डर्स पर ले लिया.
सो चिल्ड्रन विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द फर्स्ट स्टोरी ऑफ आवर चैप्टर. में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर में दो स्टोरीज है, एक थी साहिब आलम की और दूसरी मुकेश की. तो जो साहिब आलम जो कि एक रैक पिकर, उसकी स्टोरी हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में खत्म करी है. और अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब पे जाके हमारी वीडियोस देखनी है. और अगर आपको यूट्यूब पे हमारी वीडियोस नहीं मिल रही तो आपको एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है, जो कि है आपको गूगल खोलना है और उस पर हमारी वेबसाइट का नाम डालना है जो कि है magnetbrains.com. और जैसे ही आप ओपन करेंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन है, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th एंड सो ऑन. आपको जिस भी क्लास का वीडियो लेक्चर देखना है आप उस क्लास पे क्लिक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल क्लास 11th पे मैंने क्लिक किया, तो जब मैं क्लिक करूँगी तो सारे क्लास 11th में पढ़ाने वाले टीचर्स और जो भी वो सब्जेक्ट्स लेते हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश देखना है 11th का, जो मैं पढ़ाती हूँ, तो आपने इस पर क्लिक किया. जब आप क्लिक करेंगे तो क्या आएंगे, क्या आ जाएगा, इस तरीके का आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी, उन चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे जिसमें समरी, क्वेश्चन एंड आंसर्स, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, सब कुछ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है. फॉर एग्जाम्पल आपको हॉर्नबिल के चैप्टर 1 का पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन देखना है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके के वीडियो आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी और आप मेरे वीडियोज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं. सो चिल्ड्रन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे यूट्यूब पे अगर वीडियो ना मिले तो गूगल के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली आप कैसे हमारे पेज पे विजिट कर सकते हैं. सो टिल देन, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर.